आज हम बनाएंगे सच्चा साबू साबूदाना पफ। इसके लिए हमें चाहिए सच्चा साबू का साबूदाना। इस रेसिपी में हम खीर दाना वैरायटी का यूज करेंगे। आधा कप सच्चा साबू साबूदाना को 3 घंटे के लिए पानी में भिगो लीजिए। 1 बड़ा चम्मच तेल गरम करें। इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालें। एक चौथाई कप हरे मटर और आधा कप उबले हुए आलू डालें। एक छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और स्वाद अनुसार नमक डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएं और इसमें भीगा हुआ सच्चा साबू साबूदाना भी डाल दें। हमें इसे मंदी आंच पर 5 मिनट के लिए पकाना है। जब साबूदाना पक जाए तब फिलिंग को ठंडा होने के लिए अलग रख दें। पफ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 पफ पेस्ट्री शीट्स ली हैं, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। इसमें 1-1 बड़ा चम्मच साबूदाना की फिलिंग रखें। पफ पेस्ट्री शीट को हाफ में फोल्ड कर लें। मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप के पफ बना रही हूँ। आप चाहें तो रेक्टेंगल शेप के भी बना सकते हैं। फोल्ड करने के बाद एक फोर्क की मदद से अच्छे से सील कर लें। इससे ये बेक करते टाइम खुलेंगे नहीं। आप इन्हें एयर फ्रायर या फिर अवन में बेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एयर फ्रायर का यूज़ कर रही हूँ। एयर फ्रायर या फिर बेकिंग ट्रे के अंदर एक बेकिंग पेपर लगाएं, इस पर शेप किए हुए पफ रख दें और हमें इसे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक करना है। पंद्रह मिनट के बाद सच्चा साबू साबूदाना पफ बनकर तैयार है। इसे केचप के साथ या फिर अपनी मनपसंद चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसें।